आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फैराडे सूट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हाई वोल्टेज इक्विपमेंट या ओवरहेड लाइंस के मेंटेनेंस के लिए कभी कभी लाइव हाई वोल्टेज पावर लाइंस पर काम करना पड़ता है, तो इसलिए लाइनमैन ऐसा सूट पहनता है जिसे शॉक लगने का डर नहीं रहता और सेफ्टी से काम कर सकता है। इस सूट को फैराडे सूट कहा जाता है। फैराडे सूट को कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कंडक्टिंग मटेरियल क्यों, वो तो करंट को फ्लो होने देता है, और वैसे भी हम तो प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो फैराडे सूट में क्यों हम कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो इसका जवाब है कि हाई वोल्टेज को विथस्टैंड करने के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए वो ज़्यादा होगा, इसलिए उसका वेट भी ज़्यादा होगा और उसे पहनकर काम करना इम्प्रैक्टिकल होगा। और अगर पहनकर कैरी कर भी लिया तो उसे पहनकर काम करना और भी मुश्किल है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। हाई वोल्टेज से क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसुलेटिंग मटेरियल ब्लॉक नहीं करेगा और उससे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए फैराडे सूट में इंसुलेटिंग मटेरियल के बदले कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को सूट के अंदर नहीं जाने देता, जिससे ह्यूमन बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। लाइव पावर लाइंस को छूने पर करंट सूट के आउटर सरफेस से फ्लो होकर ग्राउंड हो जाता है और सूट को पहनने वाले लाइनमैन को कोई शॉक नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ में फ्लो होता है। यहाँ पर सूट कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, इसलिए सूट का रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी से कम होता है, इसलिए करंट सूट पर फ्लो होकर ग्राउंड हो जाता है। सूट को हाई वोल्टेज को विथस्टैंड नहीं करना होता, इसलिए सूट में कम मटेरियल यूज़ होने से सूट फ्लेक्सिबल होता है और इसे पहनकर आसानी से काम किया जा सकता है। फैराडे सूट जैसा सेम काम हमारी कार करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार पर बिजली गिरे और अगर कार के सभी दरवाजे बंद हो तो अंदर बैठे हुए इंसान को कोई शॉक नहीं लगता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।